बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के हवाले से है। ओमान में अपनी तर्ज का ये पहला रिसोर्ट है। ये सलाला शहर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ करीब करीब 320 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सलाला से सद्दा और फिर सद्दा से मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। इसमें बिजली की फराहमी के लिए सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं। असल में ये डिज़ाइन एक ईरानी आर्किटेक्ट के थे और इसको बनाने वाले ने इस ईरानी आर्किटेक्ट खलीली से मुतासर होकर यह बनाया था। इसको बनाने में मट्टी, रेत और मछली पकड़ने के पुराने जाल इस्तेमाल किए गए हैं। खलीली का इन डिज़ाइनों को बनाने का मकसद खासकर महाजरों के लिए था। इसके अलावा आपने नासा की तरफ से भी चांद पर या फिर मरीख पर ऐसे ही डिज़ाइनों की बस्तियां बनाने की तस्वीरें देखी होंगी जो कि नासा ने जारी की थी। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद ऐसे ही अच्छे अच्छे और मालूमती वीडियोस के लिए। इसको आप एक टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं। फिलहाल ये ओमान हुकूमत की तरफ से बंद है। इस डिज़ाइन को सन 2012 में वर्ल्ड आर्किटेक्चरल फेस्टिवल में भी नुमाइश के लिए पेश किया गया और इस डिज़ाइन ने सन 2013 मार्च में फेस्टिवल में बनाए जाने वाले घरों के लिए डिज़ाइनों की निस्बत अवार्ड भी जीता। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी ऐसी दूसरी मालूमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।